नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 38,079 नए मामले, 560 मरीजों ने गवाई जान। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना की दस्तक, ओलंपिक विलेज में सामने आया कोरोना का पहला केस। कोरोना वैक्सीन की दो डोज ने दूसरी लहर में मौतों को 95% तक कम किया, आईसीएमआर की स्टडी में हुआ खुलासा। पेट्रोल के मोर्चे पर आज फिर आम आदमी को लगा झटका, डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से वैक्सीन की डिमांड, कहा 10 जिलों में अभी भी कोरोना का कहर जारी। पार्किंग प्रबंधन को लेकर पार्षद द्वारा दिए गए सुझाव, सभी 10 जोन में यूएमटीसी की प्रस्तुति। रमाई घर कुल योजना के लाभार्थियों के लिए 40 करोड़ का अनुदान दे, महापौर के निर्देश के बाद मंथुआ का पालक मंत्री को पत्र। दसवीं परिणाम को लेकर छात्र शिक्षक दिन भर रहे परेशान, वेबसाइट हुई क्रैश, 6 घंटे बाद दिखा रिजल्ट। मनपा प्रवर्तन विभाग की कार्रवाई, धागा मार्केट के सामने जर्जर मकान की धाराशाही, गांधी बाग में चले बुलडोजर। बकायेदार बिजली ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई, 12 का काटा कनेक्शन, 26 ने तत्काल भरा बिल। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।